और अपने मन को हम ले चलेंगे ईश्वर के सानिध्य में। नमः शाम का ये समय है, बहुत उत्तम समय है, जब संध्या में चारों ओर एक लालिमा होती है और ये लालिमा ब्रह्म महतत्व की लालिमा है। जैसे एक दिव्यता का रंग भगवान ने चारों ओर बिखेर दिया है प्रकृति के अंदर, और उस दिव्यता के रंग में मुझे भी रंगना है और ईश्वरीय सानिध्य का अनुभव करना है। मैं वो ईश्वर की प्रिय आत्मा हूं और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो चलिए कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित करते हैं। महसूस करें कि ये शरीर की कर्मेंद्रिय की मैं आत्मा मालिक हूं, ये शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति हूं। इस स्थान का शुद्धिकरण करना है, आत्मा मालिक है, धीरे धीरे महसूस करे स्वयं को अपने अनादि स्वरूप में। मेरा अनादि स्वरूप सतोगुणी है, मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। जब ईश्वर के धाम से, उस परम धाम से जब मैं इस रंगमंच पर आई तो मेरा स्वरूप निर्मल पवित्र था। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं, मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है, शांति मेरा निज स्वरूप, मेरा गुण धर्म है। इसी शांति में आनंद है।
सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर। पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार। ब्रह्म महतत्व में जो शांति का धाम है, जो परम धाम है, जहां मेरे पिता परमात्मा निवास करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को परमात्मा के सन्मुख देखती हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। सूर्य की तरह अनंत प्रकाशमान, चंद्रमा की तरह शीतल है, अग्नि की तरह तेजोमय है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। अनन्य भाव से, अव्यभिचारी भाव से मैं अपने मन को उस परमात्मा में एकाग्र करती। मेरा तो एक पिता परमात्मा, दूसरा न कोई। परमात्मा प्यार में, परमात्मा स्नेह में समा जाती हूं। असीम स्नेह की किरणें मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है।
मैं स्वयं को परमात्मा की उस स्नेह की छत्र छाया में देख रही हूं। कितने न सौभाग्यशाली हूं मेरे पिता परमात्मा दिव्य चक्षु विधाता है और परमात्मा अपनी शक्ति से मेरे ज्ञान के चक्षु खोल रहे हैं। जिस ज्ञान के चक्षु से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मैं देख रही हूं, मेरे पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। इस परम धाम में मैं आत्मा बंधन मुक्त हूं। स्वतंत्र स्वतंत्रता का कितना सुंदर अनुभव है। विकृतियों से परे बंधनों से परे मुक्त अवस्था इस परम धाम में मेरे पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं सात्विक प्रकृति में स्वयं को महसूस करती हूं। मैं शुद्ध सात्विक अवस्था में हूं। एकदम हल्कापन, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं,
शरीर के बंधन से भी ऊपर हो। अनंत शक्तियों की किरणें जैसे परमात्मा मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि बरसा रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद, परमात्मा कृपा, परमात्मा वरदानों में मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर का बोझ अर्पित कर देती हूं। परमात्मा शक्ति की किरणों से मुझ आत्मा का मैल धुल रहा है। और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूं। एकदम हल्कापन महसूस कर रही हूं। इस शुद्ध स्वरूप में मेरे भीतर भी सारे संसार की आत्माओं के प्रति कल्याण की कामना प्रवाहित हो रही है। सारे विश्व की आत्माएं मेरे आत्मिक बंधु है और सर्व के प्रति वसुदेव कुटुंबकम की भावना प्रवाहित होने देती हूं। कितनी विशालता का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं।
जो परमात्मा अपने संकल्पों से मुझ में दैवी संस्कारों को भरते जा रहे हैं। और मेरा जीवन धर्म क्षेत्र बन रहा है। आदर्श सुसंस्कृत जीवन आध्यात्मिक जीवन बनता जा रहा है। इन दैवी संस्कारों से मैं परमात्मा समान प्रकृति को विकसित करती हूँ, उसके समान स्वभाव को विकसित करती हूँ। और ज्ञानाग्नि से अपने सारे पूर्व विकर्मों को दग्ध करती हूँ। परमात्मा मेरे खुदा दोस्त है, मेरे सच्चे मित्र है। मेरे परम मित्र के साथ कितनी खुशी का अनुभव कर रही हूं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। बस मैं और मेरा दोस्त
दूसरा न कोई। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थित कर। और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा को हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित होने देती हूँ। कर्मेंद्रिय द्वारा हर कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देना है। ओम